नमस्कार, मैं अप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चली जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर आई खबर। बीते कुछ दिनों से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें सुनने में आ रही थी। कोई उनकी तबीयत को लेकर कुछ बयानबाजी कर रहा है तो कोई इसे राजनीतिक मोड़ दे रहा है। इसी बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को लेकर एक खबर सामने आई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में उनकी तबीयत को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से गलत बताया है, जिसमें यह दावा किया गया था कि किम जोंग की तबीयत खराब बताई जा रही है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में एक मीडिया हाउस की आलोचना भी करते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट गलत है। मेरे सुनने में आ रहा है कि किम जोंग की न्यूज के लिए इस टीवी चैनल ने पूरे दस्तावेज का उपयोग किया है जो कि पुराने हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि किम जोंग की तबीयत को लेकर उनकी जो भी आलोचनाएं हैं या उनकी जो भी बातें हैं वो पूरी तरीके से सटीक हैं। दिल्ली के एक ही गली में 46 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। वर्तमान समय में कोरोना सबकी परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में 46 लोगों में कोरोना होने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो इन सभी को नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर आइसोलेट कर दिया गया है। इससे पहले भी जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक में कोरोना के मामले सामने आए थे। दूसरा जहांगीरपुरी थाना इलाके में पुलिस स्टाफ में एक एएसआई की पत्नी समेत कुल 7 पुलिस कर्मियों में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। यानी कि अब तक जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाके में 89 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। विदेश में फंसे भारत के छात्र 3 मई का कर रहे हैं इंतजार। बंद के 2.0 की अंतिम तारीख 3 मई तक है, जिसके बाद कोरोना की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आगे बंद के फैसले को लिया जाएगा। वहीं विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार विदेश में फंसे सभी छात्र 3 मई तक का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भारत में कई कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय छात्र पहले ही विदेशों में फंसे हैं, लेकिन अभी भारत की हालात स्थिर नहीं मानी जा सकती है। हालांकि उन्होंने सभी छात्रों से धैर्य के साथ काम करने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम निश्चित रूप से न केवल छात्रों की स्थिति के बारे में चिंतित है, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो पर्यटक वीजा या व्यवसाय की यात्रा पर हैं और वो वहां पर फंसे हुए हैं। हम जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की बात करें तो कोरोना प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करवाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में पहले प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण के सफल होने के बाद कोरोना के इलाज के इसके इस्तेमाल से संबंधित जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ था। ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में कोरोना प्रभावितों की संख्या की बात करें तो अब यह मामला 2000 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिसमें 50 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिल्ली में अब तक 90 से ज्यादा इलाके को हॉटस्पॉट भी घोषित किया जा चुका है। रूसी वैज्ञानिकों ने किया दावा, चीनी वैज्ञानिकों के बेदिमाग प्रयोग का नतीजा है कोरोना। कोरोना के बढ़ते असर ने सारी दुनिया की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं इसके बाद अलग अलग देश की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी, जहां पर हर कोई कोरोना के फैलने के पीछे चीन की साजिश बता रहा है। जहां सबसे पहले अमेरिका ने चीन और WHO के मिली भगत की बात की थी, वहीं अब रूसी वैज्ञानिकों का भी ऐसा ही कुछ बयान सामने आया है। खबरों की माने तो रूस के एक बहुचर्चित माइक्रोबायोलॉजिस्ट पीटर ने अपने दावे में कहा है कि चीन के वैज्ञानिक वुहान में स्थित प्रयोगशाला के अंदर बेदिमाग भरे प्रयोग कर रहे थे और यही कारण है कि अभी कोरोना ने पूरी दुनिया में चपेट बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि चीन में HIV का टीका बनाने का काम किया जा रहा था, मगर उनके ही प्रयोगशाला में कुछ गड़बड़ी होने के कारण यह नतीजा निकला कि कोरोना अभी पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। 5 राज्यों के 18,000 कोटा के छात्रों की हुई घर वापसी। बंद के कारण कोटा में फंसे 18,000 कोचिंग छात्रों को अपने अपने घर पहुंचा दिया गया है। खबरों की माने तो बंद के इस माहौल में वापस बुलाए जाने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के करीब 12,500 छात्र हैं, वहीं मध्य प्रदेश के 2800, वहीं गुजरात के 350 और दादरा और नगर हवेली के 50 छात्र शामिल हैं। इसी तरह बाकी सभी जिलों के 2200 छात्रों को भी सकुशल उनके घर पहुंचा दिया गया है। कोटा जिला प्रशासन ने घर लौटने के इच्छुक राजस्थान के अन्य जिलों के कोटा में पढ़ रहे कोचिंग विद्यार्थियों के लिए एक गूगल फॉर्म जारी किया है, जहां पर सभी छात्र अपने घर से संबंधित जानकारी को भर सकते थे। वहीं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई थी। आपको बता दें, बंद के ऐलान के बाद कोटा में लगभग 40,000 कोचिंग विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने की जद्दोजहद जारी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील करते हुए कहा था कि जिन राज्यों के छात्र अभी कोटा में हैं, वह मानवीय आधार पर उन्हें अपने अपने घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार का सहयोग करें। फेसबुक जियो के डील के बाद अमेजोन ने लॉन्च किया नया प्रोग्राम। फेसबुक जियो के डील के बाद अमेजोन ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत बंद के दौरान ग्रोसरी समेत अन्य जरूरी उत्पादों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में अमेजोन नजदीकी किराना स्टोर और खुदरा विक्रेताओं पर दाव लगा रही है। खबरों की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, ऐसे में ऑनलाइन ऑर्डर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोकल शॉप्स को ऑनलाइन किया गया है। इसके तहत 5,000 से ज्यादा नजदीकी किराना स्टोर को ऑनलाइन जोड़ा गया है, साथ ही छोटे स्टोर को डिजिटल कारोबार करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए अमेजोन ने
बीते दिन 10 करोड़ का निवेश किया है। साथ ही इस संदर्भ में लोकल शॉप ऑन अमेजोन के नाम की पहल शुरू करने का ऐलान भी जारी किया है। बंद के बाद दिल्ली मेट्रो से सफर करने के लिए फेस मास्क, आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। बंद के बाद दिल्ली मेट्रो से सफर करने के लिए फेस मास्क और आरोग्य सेतु ऐप को जरूरी कर दिया गया है। बीते दिन सीआईएसएफ ने प्रस्ताव रखा कि बंद के बाद मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को शारीरिक तलाशी से पहले फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। आरोग्य सेतु ऐप का पास के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में सर्दी खांसी के कोई भी लक्षण दिखे तो उसे यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीआईएसएफ की योजना के अनुसार 160 से अधिक मेट्रो स्टेशन पर 12,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। खबरों की माने तो सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी पंचायतों से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह भारत के सभी पंचायतों से बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने मोबाइल बनाने के अभियान से गांव-गांव को स्मार्ट बनाने की बात कही है। गांव के विकास के लिए 2 योजना शुरू करने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत गांव स्वराज और स्वामित्व योजना की शुरुआत करने की पहल की गई है। साथ ही पंचायती राज का फायदा आखिरी छोर तक पहुंचाने का दावा भी किया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही यह भी ऐलान किया है कि इस योजना से सभी लोगों को लोन लेने में आसानी होने की बात कही गई है। इसके साथ ही ड्रोन मैपिंग की योजना को तेजी से किए जाने का आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माने तो ड्रोन प्लानिंग से प्रॉपर्टी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, साथ ही विकास योजना के बेहतर प्लानिंग भी की जा सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन बनाने का किया दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सभी देश को राहत देते हुए वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अमेरिका कोविड-19 के इलाज को ढूंढने के बेहद करीब है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और चीन में होने वाले टेस्ट पर ध्यान देने के बाद व्हाइट हाउस में डेली ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम कोरोना के इलाज के बेहद करीब है। हमारे पास इस पर काम करने वाले बेहद कमाल के और शानदार दिमाग वाले लोग हैं। दुर्भाग्य से हम टेस्टिंग के बहुत करीब नहीं है, क्योंकि जब परीक्षण शुरू होता है तो इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन हम इसे पूरा कर लेंगे। वहीं अमेरिकी सरकार के चिकित्सक विशेषज्ञ एंथोनी फौजी ने पहले कहा था कि व्यापक रूप से इस्तेमाल के लिए एक वैक्सीन को तैयार होने में 12 से 18 महीने लगेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने कहा कि अमेरिका को कोरोना के खिलाफ प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में बदला शाहरुख खान का यह 4 मंजिला ऑफिस। शाहरुख खान के 4 मंजिला ऑफिस को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है, जिसका वीडियो शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने अपने मीडिया हैंडल से शेयर किया है, जिसमें उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया है कि उस पूरे ऑफिस में मरीजों के लिए बेड का इंतजाम किया गया है। इस पूरे ऑफिस को नया रूप दे दिया गया है। यह आइसोलेशन जोन है, जिसमें जरूरतमंदों की जरूरी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। इसमें कोविड-19 के खिलाफ जारी जद्दोजहद में एक होकर मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। कोटा से भारी तादाद में छात्रों को वापस बुलाने के आदेश से आपके अनुसार बंद के नियमों का उल्लंघन होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।